भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:5। कल अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, √3 × भुजा। तो √3 × भुजा A अनुपात √3 × भुजा B। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 6 × भुजा A² 6 × भुजा B². आयतन क्या पढ़ा था, √A³ अनुपात √B³। सिर्फ बोर्ड पर देखना, कॉपी में कुछ मत लिखना भाई। क्या √3 से √3 कट गया क्या, बोलो। भुजा ए की वैल्यू कितनी आ गई, भुजा बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 4:5। क्या यहां पर 6 से ये 6 कट गया क्या, क्या स्क्वायर से स्क्वायर भी हटा दूं क्या, नहीं, क्योंकि आधार अलग अलग है। तो 4² = 16, 5² = 25। क्या क्यूब से क्यूब हटा दूं क्या, नहीं। तो 4³ = 64 और 5³ = 100। अब आप इतनी रामायण मत करना यार, ध्यान रखना भुजा और विकर्ण ये दोनों तो क्या होते हैं, हमेशा समान। क्षेत्रफल में तो स्क्वायर करना है और आयतन में क्यूब करना है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे घन घनाभ हो, चाहे गोला हो, चाहे अर्धगोला हो, हर कंडीशन में एक आ। जैसे सुनना ध्यान से, 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तो इनके विकर्णों का अनुपात भी क्या होगा, 1:2:3।